हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज बिंदा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खुश होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, आज हम लोग हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। In history, you will study that how Indians were collaborate for independence against British government। इतिहास में तुम सभी पढ़े होगे कि सभी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी लोग कैसे इकट्ठे हुए। एंड द मोमेंट वॉज नोन बाई द नेम ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। और जो आंदोलन किया गया सभी भारतीयों के द्वारा, उस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ इंडिया ज्वाइंट टुगेदर फॉर द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत के डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एक साथ जमा हुए, एक साथ कलेक्ट हुए और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए। दे वेंट टू प्रिजन टुगेदर एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स डिफरेंटली। सभी एक साथ जेल गए और वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन किया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज द इंसिडेंस ऑफ जालियांवाला बाग। उन सभी आंदोलनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जालियांवाला बाग। बच्चों, आप सभी जानते होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। इन दिस मैसेक्रे पीस लिविंग अनआर्म्ड पीपल वर फायर्ड एट बाय एन इंग्लिश ऑफिसर। इस घटना में इंग्लिश ऑफिसर्स जो थे, यानी कि ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे, वे शांति प्रिय लोगों पर, जो बिना बंदूक के थे, बिना हथियार के थे, और वे शांति से एक सभा कर रहे थे और उस सभा पर इंग्लिश ऑफिसर्स के द्वारा फायर कर दिया जाता है। 3 राउंड गोली चलाई जाती है। मेनी पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट। इस घटना में बहुत सारे लोग मारे गए। मेन एंड वुमेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन ऑल वर यूनाइटेड इन द एजिटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, विरोध में, सभी आदमी, औरत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, सभी के सभी एक साथ यूनाइटेड थे। ड्यू टू दिस द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म रोज हाई, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना बहुत अधिक हो गई थी। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनना। वी हैव लर्न्ड दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज एंड प्रोविंस इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल टुक पार्ट इन द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग और सभी क्षेत्र के लोग एक साथ, आदमी और औरत, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। दे वांटेड इंडिया
टू बी अ फ्री कंट्री, और सभी के सभी क्या चाहते थे, अपने देश को आज़ाद करना। पीपल वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट वुड बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द ब्रिटिशर्स लेफ्ट द कंट्री। लोग बहुत चिंतित थे कि यदि ब्रिटिशर्स अपने देश को छोड़कर चले गए तो हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, हम अपने देश को कैसे स्थापित करेंगे। शुड वी अडॉप्ट ऑटोक्रेसी, क्या हमें ऑटोक्रेसी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और शुड वी चूज कैंडिडेट्स फ्रॉम द मासेस टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, और क्या हमें सभी लोगों में से कैंडिडेट चुनना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन अरोज, हु शुड हैव मोर पावर और अथॉरिटी। हमें एक से अधिक क्वेश्चन उठ रहे थे कि कौन पावरफुल है, किससे अधिक अधिकार है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आप सभी जानते हो, इन दोनों में से कौन पावरफुल है। शुड वोमेन बी गिवेन इक्वल राइट्स एज मैन, क्या औरतों को आदमी के बराबर अधिकार देने चाहिए। शुड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल रिलीजियंस हैव इक्वल राइट्स, क्या सभी धर्म के लोग, सभी धर्म जो अलग अलग धर्म को मानते हैं, सभी को एक समान अधिकार होने चाहिए। हाउ वुड ऑल द चिल्ड्रेन गेट अपॉर्चुनिटी टू बी एजुकेटेड, सभी बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का एक जैसा अवसर प्राप्त हो, यह कैसे संभव होगा। वी ऑल नो दैट इन आवर कंट्री द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज देयर, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या थी। हाउ कुड वी रिमूव दिस प्रॉब्लम, हम लोग इस समस्या को कैसे मिटा सकते। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वर रेज्ड ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने उठ रहे थे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ ग्रुप वॉज elected and was known as Constituent Assembly. इस तरह के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को कहा जाता है, कहा गया Constituent Assembly. In the Constitution Assembly, there was 299 members from different parts of the country. देश के different parts से, अलग अलग भागों से Constituent Assembly में 299 members थे। बच्चों, स्वतंत्रता के समय जो भारतीय मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनमें से एक मूवमेंट का यहाँ डायग्राम दिया गया है। द जॉब ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन, है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो कार्य था वह था संविधान लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कलेक्शन इन विच द लॉज, द राइट्स एंड द ड्यूटीज आर रिटन इन सच ए मैनर दैट आउटलाइन द सिस्टम एंड सोशल आइडियाज आइडियल वैल्यूज वर रिटन इन इट। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लॉ, अधिकार, नियम कानून, अधिकार, जो हमारे कर्तव्य हैं, वे उन सभी चीज़ों का कलेक्शन था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी चीज़ लिखे गए थे, उन सभी चीज़ों का आउटलाइन था, और जो सामाजिक आइडियाज थे उनको लिखे गए थे। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट इश्यूज वर डिस्कस्ड थोरोली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी कुछ इश्यूज आते, प्रॉब्लम आते, उस पर धड़के से डिस्कशन होता था, बहस होता था। दिस डिस्कशन एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स, और इस तरह के जो डिस्कशन होते थे, आपस में बहस होते थे, वह 3 सालों तक चला। एंड देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन
फाउंडेशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड, और फिर जाकर भारत के संविधान बन गया। ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एम्बेडेड एंड एस्टेब्लिश्ड, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन गया और स्थापित किया गया। ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एट लाहौर कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस यानी कि स्वतंत्रता का जब संघर्ष चल रहा था उस वक्त लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, और उस लाहौर कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उन्होंने 26 जनवरी 1929 को एक रेजोल्यूशन पास किए थे जिसमें कि वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी कि हमारा भारत जो है पूर्ण स्वतंत्र हो गया। टू मेक दिस डे एन इम्पॉर्टेंट डे ऑन 26 जनवरी 1950, और उसी 26 जनवरी को महत्वपूर्ण दिन मानते हुए हमारा जो संविधान था कॉन्स्टिट्यूशन था उसी दिन लागू किया गया। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। टू ब्रिंग टोटल इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज, और उस दिन हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ, पूर्ण स्वराज प्राप्त हुआ। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन सेड दैट बिफोर द एडहेरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन within 10 years children at the age of 14 years should be given compulsory free education। कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को पालन करने से पहले 10 वर्ष के अंदर में 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन अवश्य दे दिया जाएगा, यानी कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको बिना किसी तरह के पैसे दिए वे शिक्षा पा सकते हैं 10 वर्ष के अंदर में, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय से लेकर 10 वर्ष के अंदर में 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का निर्णय लिया गया था। Why do we need a constitution? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होता है? As it has been said earlier in the constitutional committee as how prime minister and president should be elected and what will be their work? कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में पहले यह कहा जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाना चाहिए और उनका क्या कार्य होना होगा। हाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट शुड वर्क, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट कैसे कार्य करें गे या कैसे कार्य करना चाहिए। व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ द मिनिस्टर्स एज कॉन्स्टिट्यूट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी द्वारा चुने गए मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होगा। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट मिस यूज इट्स पावर, और यह भी आवश्यक था कि ये जो भी गवर्नमेंट बने वह इन पावर्स का गलत उपयोग न करे, यानी कि उनको इस पावर का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। फॉर दिस गवर्नमेंट शुड एक्ट और रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट रहेंगे उनको इस संविधान के अनुसार शासन करना होगा, एक्ट और रेगुलेट
लागू करने होंगे। इफ़ अ सिटीजन थिंक्स दैट इट्स राइट वॉज नॉट फुलफिल्ड बाई द गवर्नमेंट, यदि लोगों को ऐसा लगेगा कि सरकार जो है उनके अधिकार को फुलफिल नहीं कर रहा है, पूर्ति नहीं कर रहा है, तब द पीपल कैन सीक हेल्प फ्रॉम द ज्यूडिशियरी, के लोग जो हैं वे न्यायालय का सहायता ले सकते हैं। फ्यू ईयर्स लेटर म्यूनिसिपलिटी ऑफ मुंबई स्टार्टेड रिमूविंग स्लम्स, कुछ साल बाद मुंबई के म्यूनिसिपलिटी के स्लम एरियाज में घूमना शुरू किया एंड पीपल सेइंग पीपल स्टेइंग एट फुटपाथ्स, और लोग जो फुटपाथ पर रह रहे थे, अबाउट 50,000 पीपल वर रिमूव्ड, लगभग 50,000 लोग घूम रहे थे। द पीपल रेसिडाइजिंग इन दिस स्लम टुक द मैटर टू ज्यूडिशियरी कोर्ट एंड केस वॉज रजिस्टर्ड, और लोग स्लम एरियाज में जो रह रहे थे यह एक ज्यूडिशियरी के कोर्ट में इसका कंप्लेन किया गया और वहाँ पर इसको रजिस्टर किया गया, यानी कि ये जो 50,000 पीपल रोड पर इधर उधर रह रहे थे इसके लिए उनको कहा, म्यूनिसिपलिटी ऑफ मुंबई वाले कहे कि तुम इसको कोर्ट में केस करो और तुम्हें अधिकार मिलेगा और एक केस कोर्ट में केस किए और कोर्ट में उनको रजिस्टर भी किया गया। बट आफ्टरवर्ड देयर लॉयर गेव डिसीजन दैट अनटिल एंड अनलेस ए सेकेंड ऑप्शन फॉर देयर लिविंग इज मेड दे वुड नॉट बी शिफ्टेड और रिमूव्ड, और कुछ समय बाद उनके लॉयर ने यह डिसीजन सुनाया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वे वहीं पर शिफ्ट होंगे या फिर उनको वहां से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन दैट दिस स्लम्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और सुप्रीम कोर्ट यह निश्चय किया कि उन स्लम्स एरियाज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इफ़ डिस्ट्रॉय दे शुड बी गिवन अनदर प्लेस फॉर देयर रेसिडेंस, यदि उन एरियाज को बर्बाद किया जाता है तो वहाँ पर रह रहे लोगों को दूसरे प्लेस पर रहने के लिए स्थान देना चाहिए। इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड द गवर्नमेंट, और हम इस तरह से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट को रोकती है। सो ड्यू टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन पीपल ऑफ द नेशन ऑफ एनी रिलीजन लैंग्वेज एंड आइडियाज़ हैव फेथ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह के नियम कानून के हेल्प से लोग जो हैं राष्ट्र के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, जो डिफरेंट धर्म के हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग सोच वाले हैं, वे सभी अपने देश के संविधान पर विश्वास करते हैं कि उन्हें अपने देश में न्याय मिलेगा, जैसे कि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को अदर प्लेसेस पर रेजिस्टेंस यानी रहने के लिए जगह दिया गया। बिकॉज इन दैट द इक्वालिटी टू ऑल इज डिस्कस्ड, क्योंकि हम सभी समानता का अधिकार के बारे में जान चुके हैं। वी ऑल ऑबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, हम सभी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, नियम कानून के बारे में जानते हैं, और हम सभी को इन रूल्स रेगुलेशन को पालन करना चाहिए। इट प्रमोट्स पीस एंड इंटीग्रेशन,
और यह जो है हमें शांति और एकता देता है. सो ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन वी गेट एन इंस्पायरेशन फॉर बिल्डिंग ए बेटर सोसाइटी. और यह जो हमारा संविधान है यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपना अच्छा से अच्छा समाज बनाना है. बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और ये डॉक्टर आम्बेडकर हैं जो ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रेसिडेंट थे. डॉक्टर आम्बेडकर चेयरमैन ऑफ फार्मिंग कमिटी. बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ये भारतीय संविधान के प्रीएम्बलम है, यानी कि प्रस्तावना है. ये प्रस्तावना क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्वड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था. लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को.